गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज योर जीके क्लास। आई एम हियर विद सम क्वेश्चंस। ओके, सो अगेन टेक आउट योर पेंसिल एंड कॉपी टू राइट द क्वेश्चन आंसर। ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, and the answer is Shri Nitish Kumar. Okay, Shri SRI, Shri Nitish NITISH, Nitish Kumar, KUMAR Kumar, Shri Nitish Kumar. Write down children, who is the chief minister of Bihar? Shri Nitish Kumar. Okay children, one more thing, if I ask what is the capital of Bihar, some of you say that it is New Delhi. No, capital of India is New Delhi and capital of Bihar is Patna, where we live. Yes children, वैसे तो कई स्टेट्स हैं और सबके कैपिटल्स हैं, बट वो आप अभी इतने छोटे बच्चे हैं, आप लर्न नहीं कर सकेंगे। सो आप जहाँ रहते हैं एटलीस्ट वहाँ जान लीजिए और आप अपनी कंट्री का कैपिटल जान लीजिए। ओके चिल्ड्रन, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, टेल मी, न्यू दिल्ली। यस, एंड द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। वी लिव इन पटना, नो? सो ये तो आपको आराम से याद रहेगा, है ना चिल्ड्रन? इट इज इजी टू लर्न बिकॉज वी लिव इन पटना, है ना? तो बिहार का कैपिटल इज पटना एंड इंडिया का कैपिटल, हमारी कंट्री का कैपिटल इज न्यू दिल्ली। ओके, एंड स्पेलिंग ऑफ पटना आई थिंक यू आर नोइंग, PATNA, पटना। ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट वॉज हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, श्री नीतीश कुमार। वॉट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज बापू, हु गेव अस, हु हेल्प अस टू अचीव फ्रीडम। यस ना, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाने में बहुत मदद की, अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाया हमें, बापू कहते हैं उन्हें। उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नेशन, और बापू दोनों ही कहते हैं। क्या नाम है, डू यू नो वॉट इज हिज नेम? हिज नेम इज़ महात्मा गांधी। वैसे तो उनका नाम काफ़ी बड़ा है, मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा, सो आप महात्मा गांधी याद करें। ओके, महात्मा गांधी, और ऐसे उनका क्या नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके चिल्ड्रन, मोहनदास करमचंद गांधी वैसे उनका नाम है, लेकिन सब लोग उन्हें महात्मा गांधी भी कहते थे, सो यू कैन लर्न महात्मा गांधी। हु इज़ नोन एज बापू? महात्मा गांधी। ओके, अब आप पूछेंगे कि मैम आपने इनके नाम के आगे श्री क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनके नाम के आगे ऑलरेडी महात्मा लगा हुआ है, दैट इज़ वाई। ओके, महात्मा गांधी। ओके, नाउ हु इज़ नोन एज चाचा नेहरू, दिस इज़ आर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज चाचा नेहरू, डू यू नो चिल्ड्रन? कैन यू टेल मी द आंसर, हु इज़ नोन एज चाचा नेहरू? कोई बता सकता है, किसी को आता है? नो वन नोज हु इज़ नोन एज चाचा नेहरू। ओके, आई एम टेलिंग यू द आंसर इज पंडित
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, PANDIT पंडित, PANDIT पंडित, जवाहरलाल JAWAHARLAL जवाहरलाल नेहरू NEHRU नेहरू. ओके ओके चिल्ड्रन, पंडित जवाहरलाल नेहरू. और पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थ डेट क्या है, डू यू नो? 14th of November, जिस दिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग. यस चिल्ड्रन, और ऐसा क्यों होता है, डू यू नो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पंडित जी को बच्चों से बहुत लगाव था, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके चले जाने के बाद उनके जन्मदिन को बच्चों के साथ जोड़ दिया गया, चिल्ड्रंस डे, है ना? चिल्ड्रंस डे के तौर पे मना के हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे. यस दे ही लव चिल्ड्रन. ओके सो वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे ऑन 14th of November ऑन हिज बर्थडे. ओके सो हु इज नोन एज चाचा नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू. यस एंड व्हाट इज द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी चिल्ड्रन? 2nd October एंड इट इज अ नेशनल हॉलीडे. आई हैव टॉट यू ना चिल्ड्रन, नेशनल हॉलीडे. वी हैव 3 नेशनल हॉलीडेज. यस वी हैव 3 नेशनल हॉलीडेज. वी हैव 3 नेशनल हॉलीडेज. ओके फर्स्ट इज 15th August, 26th January एंड वॉट 2nd October, द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी, है ना? ये तो आपको पढ़ाया है ना मैंने. सो महात्मा गांधी का बर्थ डेट हम लोग 2nd October नेशनल फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं, और चाचा नेहरू का बर्थ डे हम लोग 14th November को चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाते हैं. ओके चिल्ड्रन, ऑल राइट. नाउ हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर? हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर? इट इज सो इजी, यू कैन गिव द आंसर. हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 months. ओके देर आर 12 months इन अ ईयर. एंड वॉट आर दे? जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हो गए 12. आपने काउंट किया चिल्ड्रन? एक बार आप भी बोलिए, चलिए जल्दी से, आपके पेरेंट्स सुनेंगे, जल्दी से बोलिए. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? 12 months. नेम देम, हरी अप, नेम देम. ओके रिसाइट विद मी. जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके देयर आर 12 months. ऑल राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? हाउ मेनी कलर्स? 7 colors. ओके चिल्ड्रन, देयर आर 7 colors इन अ रेनबो. देयर आर 7 colors इन अ रेनबो. ओके हैव यू रिटन चिल्ड्रन?
लिख लिया आप लोगों ने? देर आर सेवन कलर्स इन अ रेनबो, यू कैन राइट ओनली सेवन कलर्स, ओके? एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेनबो? देखिए, दो वर्ड्स मिला के कंपाउंड वर्ड एक बन गया, रेन प्लस बो, रेनबो, यस ना? ठीक है, रेनबो, आर ए आई एन रेन, बी ओ डब्ल्यू बो, रेनबो. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर योर ईयर्स फॉर? भगवान ने आपको कान किस लिए दिए हैं चिल्ड्रन? नेचर ने आपके कान क्यों बनाए हैं? व्हाट आर योर ईयर्स फॉर? आपके कान किस लिए हैं? खींचने के लिए? नहीं, किस लिए बताइए? व्हाट आर योर ईयर्स फॉर? व्हाई वी आर हैविंग ईयर्स? टू लिसन, लिसनिंग और हियरिंग? यस, लिसनिंग और हियरिंग, सुनने के लिए है, यस ना? ओके, लिसनिंग एंड हियरिंग. व्हाट आर योर ईयर्स फॉर? लिसनिंग एंड और हियरिंग. लिसनिंग हियरिंग बोथ आर सेम, सुनने के लिए है. ओके, लिखा चिल्ड्रन? एल आई एस टी ई एन आई एन जी, लिसनिंग हियरिंग, एच ई ए आर आई एन जी, हियरिंग. लिख लिए? ओके, नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन. लेट सी व्हाट इज इट, क्या है ये क्वेश्चन देख लेते हैं. विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे? आफ्टर बाद में, यस, आफ्टर ध्यान रखिएगा. फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है? विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे? विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे, कैन यू टेल मी? सिंपल, इट इज सैटरडे, यस ना? इट इज सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे. ओके, ओके चिल्ड्रन, सैटरडे. विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे? सैटरडे. विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे? सैटरडे. ओके, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? डू यू नो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? क्या आपको पता है चिल्ड्रन? जिसमें से वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं और दोनों को ऐड कर दें तो टोटल लेटर्स बन जाते हैं. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, कैन यू टेल मी? ओके, मैं बताती हूँ, देर आर 26 लेटर्स. ओके, देर आर 26 लेटर्स, 26 लेटर होते हैं टोटल, 26 चिल्ड्रन. उसमें से 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. 5 वोवेल क्या क्या होता है चिल्ड्रन? ए ई आई ओ यू, यू मस्ट हैव स्टडीड, आप ज़रूर पढ़े होंगे. वोवेल्स आर ए ई आई ओ यू, दे आर 5 वोवेल्स एंड रेस्ट इज कॉन्सोनेंट. ओके, देर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश. There are 26 letters in English alphabet. Okay, there are 26 letters in English alphabet. Okay, now next question. What do you call the person who brings letter for you? Someone brings letter for you. आप उसको क्या बुलाते हैं जो आपके लिए letters लाते हैं? He is a postman. Yes, he is a postman. What do you call the person who brings letter for you? Postman. Okay, beta, write down postman. All right. Then 10th question. Baby of a dog is called what? Baby of a dog is called
puppy. Yes, baby of a dog is called a puppy. Yes, so there are 10 questions I have given you. Learn these questions, children. I will ask from these questions only. In your examination GK test, I have given you some questions earlier, and today 10 questions, and one more day maybe I will give you some questions to learn, alright? And I will ask question among them, among in me se, kuch bhi, koi bhi, any question I will ask, okay? So learn it, okay?